बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक तो पता है एंडिंग अच्छी नहीं लगी, पर जो लास्ट में दिखाना है ये पूरा रियल स्टोरी है, तो ये इतना ज्यादा पसंद आया। लास्ट में तो बिल्कुल ही पसंद आ गया, रोना निकल गया सबका। पठान से अच्छा है, जवान से भी अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो बिल्कुल ही पैसा। सबसे अच्छा रोल शाहरुख खान का ही था, सबसे अच्छा था। हाँ वो एज डिस्टेंस आया उसमें, 25 साल के बाद दिखाया गया है, तो वो एज डिस्टेंस आ गया, जो थोड़ा मतलब वो रियल लाइफ थी, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, रियल था। हाँ कौन नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे नहीं जब इमोशनल था, इमोशनल था, इमोशनल जब वो लड़की की डेथ हो जाती है, उस लड़की की लास्ट में डेथ हो जाती है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो सीन। और विक्की कौशल भी अपने आप को जला देता है, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे सबके आंसू निकल ही जाते हैं। एक सालार हो रहा, हाँ वो सालार अभी देखी नहीं है, उसको देखेंगे अब, यही पे देखेंगे, कल देखेंगे। आई थिंक उनके लिए बकवास होगा, पर हमें तो बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा था ये पठान से भी अच्छा। मैंने कहा यार देखो यार आके, ये रियल स्टोरी है, पता चलेगा कि लोग कैसे कितनी मेहनत करते हैं वीजा के लिए। मेरा पासपोर्ट आया, मैं भी अब वीजा पे लग चुकी हूँ, अब मेरे को भी इसमें मेहनत करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज में। तो मैं 6 बजे बिल्कुल चाणक्यपुरी जाना पड़ेगा, बिल्कुल 6 बजे उठ के टोकन के लिए, वीजा के टोकन के लिए। तो देखो यार पता चलेगा रियल स्टोरी क्या है। थैंक यू। बहुत 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 ही ऑसम है, बहुत बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, बता नहीं सकता मैं। और शाहरुख खान की एक्टिंग तो ऑलरेडी ऑसम है, तो ऐसा कोई बेकार रिव्यू को देख के आप आने से रोको मत अपने आप को, यहाँ पे आओ, हॉल में ही देखो मूवी, क्योंकि उनको इनको इस इशू के बारे में नहीं पता कि डंकी है क्या बेसिकली। तो जिसको डंकी के बारे में पता होगा उसको अच्छी लगेगी मूवी। स्लो नहीं है, और लोगों को लग रहा है कि वो डंकी को एक मजाक समझ के ले रहे हैं, बट अगर डंकी को देखेंगे कि क्या इशू है और डंकी होता क्या है, वो स्टोरी को समझेंगे। कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है। थैंक यू सर, मूवी बहुत बढ़िया है, बहुत ऑसम सर मूवी। नो नो सर, नहीं पिटेगी, ओनली डंकी। हाफ अच्छा है, ठीक है, अच्छी है, बढ़िया थी। सारे है ना, सारे यूनिक स्टोरी थी, अच्छी है। डंकी मारो सारे डंकी। नहीं नहीं, किसने बोला? बढ़िया बढ़िया, लोग पागल है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। सालार को पछाड़ देगी क्या? नहीं, हाँ पछाड़ देगी सालार, कुछ नहीं है यार, हर चीज ठीक थी, ठीक थी। सबसे अच्छा जिसका सबसे कम रोल था, विक्की कौशल सबसे अच्छा रोल उसका था। तो हाँ उनका जोश बोलते हैं, तो नहीं था उसका जोश। उनका रोल कम था, नहीं तो जोश था सबसे ज्यादा हाई उन्हीं का था, उन्हीं का था। इट वॉज फैंटास्टिक, बिकॉज जवान और पठान से कोई लेवल की नहीं है, बट मूवी अच्छी है, सब देख सकते हैं। प्रभास के सामने शाहरुख फीके पड़ गए, लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, शाहरुख तो बादशाह खान है, वो कैसे फीके पड़ जाएंगे यार। शाहरुख किसी के सामने फीके नहीं पड़ सकते। इट वॉज वेरी गुड मूवी, फिल्म पिट गई बता रहे लोग। नहीं नहीं, अच्छी मूवी है, अच्छी बताएं। बहुत बढ़िया मूवी, बहुत बढ़िया, आ करके सब देखें। सलार में नहीं देखी है, फिल्म बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बढ़िया मूवी थी भाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत। विक्की कौशल फैंटास्टिक, साफ सुथरी मूवी, अच्छी मूवी, बढ़िया फैमिली मूवी है। आपको कैसी लगी? हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा रोल किसका है? कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी बात। शाहरुख खान के लिए फैन लग रहा है आप? आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान। आप बताइए मैम कैसी लगी? लगी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत बढ़िया। नहीं वो तो नहीं देखी है, मगर ये ज्यादा अच्छी है, ये तो बहुत बढ़िया। क्या कहानी बताती है अगर आप दर्शकों को? मैडम बहुत अच्छी है मूवी। सलार के सामने फीके पड़ गए शाहरुख खान? नहीं 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 नहीं, शाहरुख खान का बैक टू बैक तीसरी मूवी है, ऐसे थोड़ी ना होगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सब में अच्छा रोल किसका रहा? विक्की कौशल। हाँ लेकिन वो काफी कम समय के लिए उनको दिखाया गया और कम टाइम के लिए था, बट बहुत अच्छा, अच्छी थी, बहुत अच्छी।
और भी लोगों से बातचीत करते हैं। डंकी इट हैड गुड मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज था, देखना चाहिए, पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए। और या इट वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। सलार एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब हाइप टाइप का है, थोड़ा सा मसालेदार है, बट आई बिलीव सलार के साथ साथ ये मूवी भी देखनी चाहिए एटलीस्ट वन टाइम। बहुत अच्छा मैसेज था। और हम एज ए यूथ अगर हम लोग देखे तो मेरा भी प्लान था बाहर जाने का, बट आई हैव टू थिंक वंस मोर। सो बहुत अच्छी मूवी था, अच्छा मैसेज। आइए लोगों से बात। बहुत अच्छी लगी मुझे तो, बहुत बढ़िया लगा। और सबसे अच्छी लगी कि शाहरुख खान ने अपने देश के प्रति जो सबसे अच्छा चीज बोला, परिस्थिति चाहे जैसी हो हम अपने देश की बुराई नहीं करेंगे। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि फिल्म कैसी लगी लोगों को यहाँ पर। भाई कैसी लगी फिल्म? भैया ठीक, बढ़िया बढ़िया एकदम। लोग कह रहे हैं सलार के सामने शाहरुख खान फीके पड़ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मूवी बहुत प्यारी है, इनके पास दिल होगा वो तो रो ही देंगे। बहुत प्यारी मूवी है। फिल्म काफी बोर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग सिर्फ मार धार देखना चाहते हैं उनको बोर लगेगी। मैडम बताएं फिल्म कैसी थी? भाई फिल्म ओके है, सारे बच्चे हैं, शाहरुख शाहरुख है, शाहरुख का सारे फीके हैं, सारे बच्चे हैं, बाप बाप है। बहुत बड़े फैन लग रहे हैं आप? अरे शाहरुख की तो आके भाई ओके वाली पिक्चर है भाई, उसने दिखा दिया भाई पठान जवान ओके। अजी भाई ओके वाली पिक्चर है यार, पंजाब में ही है बंदा यार, है मुसलमान भाई फिर भी यार ओके वाली पिक्चर है। आइए बातचीत करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। बहुत अच्छी थी, मस्ट वॉच, बहुत। सब में अच्छी एक्टिंग शाहरुख खान। लेकिन प्रभास के सामने लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान फीके पड़ गए। एक्सक्यूज मी।